कुछ लोगों के मन में यह भी प्रश्न उठ रहा है कि ये इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जो बनी है ये दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी ही क्यों गई। देखिए, ये विषय आपके भी जानकारी में है, हम सबके जानकारी में है कि जिस तरह से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए था, हमारे क्षेत्र में उस तरह से उसका पालन नहीं हुआ। इस विषय को लेकर मैंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से लेकर के अन्य बहुत सारे मंत्रालय में कई बार इसके लिए पत्र भी लिखे और मैं आभारी हूँ गृह मंत्री जी का, उन्होंने ये टीम गठित की और हमारे क्षेत्र में भी एक टोली, एक टीम वहां पे भेजी। और इससे आने वाले समय में हम सबको बहुत लाभ होगा, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो टीम गई है, जो कुछ भी अच्छा है वो भी देखेंगे, जो कुछ भी कमियां उसको भी दुरुस्त करने के लिए हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। और ये जो टीम गई है, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आज या कल खत्म होने वाली लड़ाई नहीं है, ये लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई है, युद्ध है। और इसके लिए समय रहते हुए हम सही कदम उठाएंगे तो आने वाले समय में हम खुशहाल होंगे, हम सुरक्षित होंगे। और ये जो टीम है, ये जाकर के हमारे क्षेत्र में ये देखेगी कि हमारी प्रिपेयरनेस, हमारी तैयारी इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कैसी है, उसकी वो जांच करेंगे। हमारा हेल्थ, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे अस्पताल की व्यवस्था कैसी है उसको भी वो देखेंगे, उसको भी दुरुस्त करेंगे। इसी तरह से जो हमारे हेल्थ वर्कर है, हेल्थ प्रोफेशनल है, उसकी सेफ्टी के लिए हम क्या चिंता कर रहे हैं उसकी भी वो जांच करेंगे। और आपने सुना होगा आए दिन आज पीपीई किट और मास्क की बात होती है, तो उसकी भी वो जांच करेंगे कि हमारे क्षेत्र में इसका कितना अभाव है, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। और इसके साथ साथ लॉकडाउन का उचित पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको भी वो देखेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन कर पा रहे हैं क्या उसकी भी वो जांच करेंगे। और इसके साथ साथ आज देखिए, ये दुर्भाग्य का विषय है और आज जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में चल रहा है उससे पूरा देश चिंतित है, दुखी है। केंद्र सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल टीम का गठन किया और देश के विभिन्न हिस्सों में वो टोली गई, राजस्थान के अंदर में जयपुर, मध्य प्रदेश के इंदौर, महाराष्ट्र के अंदर में बॉम्बे और पुणे भी वो टीम गई, और इसी तरह से दो टीम पश्चिम बंगाल गई, एक टीम कलकत्ता और दूसरी टीम नॉर्थ बंगाल, जो कलकत्ता से काफी दूर पड़ता है, सिलीगुड़ी गई। लेकिन बड़ा दुख का विषय यह है कि देश भर में उन टोली की, उन टीम का स्वागत हुआ, वो अपने काम और सर्वे में लगी हुई है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में टीम गई अभी तक उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। और बार बार टीएमसी और उनके नेता ये दावा करते हैं कि पश्चिम बंगाल ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है ये सही समय है, जो कुछ भी पश्चिम बंगाल सरकार ने COVID-19 से लड़ने के लिए अच्छा किया है, कृपया उन टीम को वो चीज दिखा सके। अगर कुछ भी अच्छा हुआ है, हो सकता है वो चीज देश के अन्य हिस्सों में भी काम आ सके। अगर कुछ कमियां है हमारे क्षेत्र में, तो उस कमियों को केंद्र सरकार और इस टोली के साथ मिलकर के उसको दुरुस्त किया जा सकता है। आज पूरे देश में लोग चिंतित है इस घटना से लेकर के, इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी लोग भयभीत है। जिस तरह के आंकड़े और जिस तरह के इंसिडेंट आए दिन पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, उससे लोगों के मन में एक भय है। मुझे लगता है ये उचित समय है, इस टोली को हम काम करने दें। मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप इन टोली को काम करने दें, इससे लोगों के मन में एक विश्वास जगेगा और आपकी प्रतिष्ठा इससे बढ़ेगी, ना कि घटेगी आज। और इसके साथ साथ आज देखिए, चाय बगान के अंदर में हमारे श्रमिक भाई बहन, माता पिता काम कर रहे हैं, क्या उनकी जो है प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हो पा रही है, क्या हम वहां पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन कर पा रहे हैं, इसकी भी वो जांच करेंगे। और साथ ही आपने सुना होगा राज्य सरकार ने जो है 6 महीने तक राशन फ्री में देने की घोषणा की है, और इसी तरह से केंद्र सरकार ने भी पीटीएस के थ्रू 3 महीने तक 5 किलो चावल अथवा आटा और 1 किलो दाल ये देने की घोषणा की है। तो इस घोषणा होने के बाद क्या हमारे क्षेत्र में उचित मात्रा में उचित लोगों तक क्या ये राशन पहुंच रहा है, इसकी भी वो जांच करेंगे। ये सब विषय को देखते हुए जो कुछ भी होगा वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को देंगे। हमारे क्षेत्र में जो कुछ भी कमियां है उसको दुरुस्त करने में केंद्र सरकार हम सबकी मदद करेगा। ये हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है, हमें खुले दिल से उन सब का स्वागत करना चाहिए, और जो कुछ भी जानकारी आपके और हमारे पास है हमने खुले मन से उन सबको देना चाहिए।